नमस्कार, नमामि, अहम अस्मि किशोर सर। निर्णय कोचिंग संस्थान ने सुस्वागतम, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, निर्णय कोचिंग संस्थान जहां पर निर्णय लेने के बाद में सब लोग आते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं, सबसे बेहतरीन संस्थानों में माना जाता है निर्णय संस्थान। और आप लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग जल्दी से जल्दी अति शीघ्र लाइव आ जाइए। संस्कृत की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है मित्रों, सर्वे मित्राणी, सब मित्र ध्यान देंगे, संस्कृत की बहुत शानदार क्लास होने वाली है। लाइव क्लास में जितने लोग रहते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, डाउट जो रहते हैं उनके बारे में भी विशेष जानकारी उनको रहती है कि क्या पूछना है सर से, क्या नहीं पूछना है। तो पहली क्लास और पहला पाठ्यक्रम के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज आपको मैं शुभकामना भी देते हूँ, जहाँ पर देता हूँ जो है, श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में है और उनका ही आज जन्मदिवस है, हैप्पी बर्थडे है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को मैं हैप्पी बर्थडे कह रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी के लिए। और आइए, हम कोचिंग संस्थान निर्णय में आपके लिए लाए हैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे, परचर्चा करेंगे दोस्तों, कि संस्कृत जो भाषा है उसमें जो आप पढ़ेंगे तो किस तरह से, कहाँ कहाँ यह पाठ्यक्रम आपका कार्य करेगा और यहाँ कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न जो है कितने नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लोग लाइव आ चुके होंगे मुझे लगता है, जी हाँ। चलिए, तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत आप देखेंगे कि यूपी टेट के लिए यह पाठ्यक्रम बहुत बेहतरीन होने वाला है, यूपी टेट की परीक्षा के लिए। जी हाँ, यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत शानदार पाठ्यक्रम होने वाला है संस्कृत भाषा के अंतर्गत। हाँ, तो यूपी टेट के लिए 30 नंबर का यूपी टेट में संस्कृत आता है और उस संस्कृत भाषा को समझने के लिए यूपी टेट में बहुत सारे छात्र छात्राएँ इस पाठ्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं और संस्कृत भाषा का लाभ ले सकते हैं। अगला है एसटेट। एसटेट जैसा कि यूपी टेट के बाद में एसटेट की परीक्षा होती है, तो एसटेट के लिए भी जो 10 अंक का आता है, इसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश जुड़ जाता है। इस संबंध में भी यह पाठ्यक्रम पूर्ण तरीके से कार्यरत रहेगा, कार्य करेगा दोस्तों, जी हाँ, कार्य करेगा। और रीट की परीक्षा, जो राजस्थान सरकार रीट की परीक्षा कराती है संस्कृत भाषा के अंतर्गत, वह रीट की परीक्षा के लिए भी यह कार्य करेगा। और रीट में भी आप देखेंगे तो ये 30 मार्क्स अर्थात 30 नंबर का संस्कृत आता है और वहाँ पर आप इसी से लाभ उठा सकते हैं रीट परीक्षा के लिए, जी हाँ। आगे बात करते हैं एमपी टेट मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए भी यही पाठ्यक्रम जब हम आपको पढ़ाएंगे और अध्ययन कराएंगे, तो यह पाठ्यक्रम एमपी टेट के लिए भी बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों। एमपी टेट के लिए भी यह पाठ्यक्रम पूरा रहेगा। आगे है एच टेट जो हरियाणा टेट, जो हरियाणा सरकार यूपी टेट की जो परीक्षा कराती है, हमारी जैसे यूपी सरकार, ऐसे ही हरियाणा में जो टेट होता है उसको एच टेट कहा जाता है। तो इसके लिए भी बहुत शानदार रहने वाला है ये सेशन और इस क्लास का आप बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। संस्कृत भाषा में आप पूरा नंबर 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, जी हाँ, मेहनत के द्वारा। और हम जैसे कुछ गुरु हैं तो गुरु के सानिध्य में रहकर के ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। आगे अभी देखिए टीजीटी की परीक्षा, बहुत सारे छात्र होते हैं जिनका विषय संस्कृत होता है तो संस्कृत भाषा से टीजीटी देना चाहते हैं, तो टीजीटी देने के लिए भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT जो है उसमें अभी वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें भी आप प्रतिभागी हो सकते हैं इसी संस्कृत के व्याकरण के द्वारा। लिटरेचर का जो क्षेत्र है, साहित्य का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो व्याकरण का क्षेत्र रहेगा वो व्याकरण का क्षेत्र लगभग समान रहेगा दोस्तों, जी हाँ, समान रहने वाला है, क्योंकि व्याकरण लगभग समान रहता है। कुछ डीपली, कुछ गहराई से चीज़ों को TGT में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ जो पाठ्यक्रम मिलने वाला है TGT संस्कृत व्याकरण में आपको मिलेगा, जी हाँ। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि कितनी परीक्षाओं में ये आपका कार्य करेगा। आगे बात करते हैं, चलिए संस्कृत के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। तो संस्कृत के पाठ्यक्रम में सबसे पहले मित्रों, आपको मैं पाठ्यक्रम की आपसे चर्चा करूं, परिचर्चा करूं, तो संस्कृत के पाठ्यक्रम में, जी हाँ, सबसे पहले कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी जब शुभ कार्य होता है, मंगल कामना के लिए, निर्विघ्न समाप्ति के लिए, तो ईश्वर का स्मरण किया जाता है, जी हाँ, आप सभी जानते हैं।
ईश्वर का स्मरण किया जाता है, जिससे कि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, मंगल कामना की जाती है, तो उसी को मंगलाचरण कहते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, वो आपका रहेगा मंगलाचरण का। जी हाँ, मंगलाचरण का टॉपिक रहेगा। मंगलाचरण से यूपी टेट की परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार से प्रश्न आया था, तो आपको इससे प्रश्न मिलेगा। तो मंगलाचरण पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक की चर्चा करें, दूसरा जो प्रकरण रहेगा, संस्कृत शब्द की व्याख्या। जी हाँ, संस्कृत शब्द की व्याख्या। संस्कृत की क्या परिभाषा है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि सुधार समिति कब बनी, है ना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न रहेंगे, इन प्रश्नों से संबंधित संस्कृत शब्द की व्याख्या के बारे में। तीसरा जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपका प्रकरण रहेगा, वो रहेगा व्याकरण के क्षेत्र में, माने व्याकरण परंपरा। व्याकरण की कितनी परंपराएं हैं, कौन सी परंपरा है जिसको कुत्सित या कठिन परंपरा कहा जाता है, कौन सी परंपरा है जिसको माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है, कौन सी परंपरा है जिसको पाणिनीय परंपरा कहा जाता है, इस प्रकार से आप परंपरा के बारे में बात करेंगे, माने व्याकरण की परंपराएं हम आपको बताएंगे, और सृष्टि के प्रारंभ से व्याकरण का जो प्रचलन हुआ उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे, और चर्चा ही नहीं परचर्चा करेंगे। जी हाँ, तो व्याकरण की परंपरा। अगला जो टॉपिक रहेगा, जो मुख्य आपका विषय है, मुख्य टॉपिक है जिस पर सारा आपका जो संस्कृत का व्याकरण है वो डिपेंड है, निर्भर है, और वो वर्णमाला है। आप सभी जानते हैं मंगलाचरण जब होता है तो रामचरितमानस का एक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो उसमें भी जो सबसे पहला जो श्लोक है वो क्या है, आइए वाचन करते हैं, वो इसी से संबंधित है जो चौथा आपका टॉपिक है। वर्णानाम, वाचन करिए, वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो, वंदे बाणी विनायकौ वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम। माने रामचरितमानस की प्रथम जो श्लोक है उसमें सबसे पहला वर्ण ही आता है, इसलिए वर्णमाला की चर्चा करेंगे। और वर्णमाला में आ जाते हैं आपके जो पांचवा टॉपिक है, माहेश्वर सूत्राणी। भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त पाणिनी महाराज को 14 सूत्र डमरूवादन के द्वारा। जी हाँ, तो माहेश्वर सूत्र डमरूवादन करेंगे, माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करेंगे। छठवां टॉपिक है प्रत्याहार रचना। जी हाँ, प्रत्याहार रचना के बारे में भी हम आपसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि प्रत्याहार कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, क्या प्रत्याहार 42 होते हैं, बताइए, कमेंट करिए, प्रत्याहारों की संख्या 43 होती है, क्या प्रत्याहार 44 प्रकार के भी बनाए जा सकते हैं, नागेश भट्ट किस प्रत्याहार को नहीं मानते, अष्टाध्यायी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है, बहुत सारे अनछुए पहलू की हम चर्चा करेंगे आपसे। जी हाँ, तो प्रत्याहार रचना। इसके बाद में फिर आता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम बात करेंगे अच एवं हल की, अर्थात स्वर एवं व्यंजन की बात करेंगे। जी हाँ, स्वर, स्वरों को कौन सा स्थान प्राप्त है, पहला स्थान स्वरों को क्यों दिया गया, व्यंजन, व्यंजन कैसे कहते हैं, या संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहा जाता है, क्या संस्कृत में व्यंजन 34 भी होते हैं, बताइए, कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, क्या व्यंजनों की संख्या 34 भी होती है, यदि होती है तो कौन सा है जो 33 से बढ़ गया है, व्यंजन तो हमने 33 ही पढ़े हैं। जी हाँ, व्यंजनों की संख्या तो 33 ही पढ़ी है, लेकिन 34 कैसे हो गई, ये सब आपको बताएंगे कि व्यंजन 34 भी होते हैं। जी हाँ, व्यंजन कितने होते हैं, 34 भी होते हैं, और व्यंजनों की संख्या 33 भी होती है। तो ये सब बात करेंगे व्यंजन में, हल की बात करेंगे। अगला टॉपिक है जिसका एक नाम संहिता भी है। जी हाँ, जिसको संहिता भी कहते हैं, परह सन्निकर्षः संहिता। जी हाँ दोस्तों, और संहिता किसको कहा जाता है, हम आपसे परिचर्चा करेंगे कि संधि का एक नाम संहिता भी है। तो संधि प्रकरण के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि की, संधि के भेद के बारे में भी आपसे चर्चा होगी। संधि कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे मैं प्रश्न करूं तो एक ही उत्तर आप देंगे, क्या उत्तर देंगे, संधि के 3 भेद हैं, नहीं, संधि के 5 भेद भी होते हैं दोस्तों। जी हाँ, संधि के कितने भेद होते हैं, 5,
संधि के तीन भेद भी होते हैं और पांच भेद भी होते हैं, उन पांच भेदों में कौन से दो भेद हैं, कौन से दो भेद हैं, उनकी चर्चा अगर आप लाइव क्लास में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में प्रतिभागी बनेंगे तो आपको पता लगेगा कि संस्कृत में संधियों की संख्या, संधि के भेद पांच भी होते हैं और किसके अनुसार होते हैं, मैं ये भी बताने वाला हूँ। जी हाँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक है आठवां समास। जी हाँ, पदों का मेल क्या होता है, पद किसे कहते हैं, सुप तिगंतम पदम। जी हाँ, सुप और तिंग क्या होते हैं, तिंग की संख्या कितनी है, सुप की संख्या कितनी है, इस सब की चर्चा होगी समास के अंतर्गत, और समास के भेद के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसा अनछुआ पहलू, जी हाँ, आप कितना भी पढ़िए, कहाँ भी कहीं भी पढ़िए, मुझे नहीं पता आप कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ईश्वर से बड़ा सर्वज्ञ कोई नहीं है। मैं तो भैया छोटा आदमी हूँ, गुरुओं के सानिध्य में रह करके कुछ प्राप्त किया है और वो आपको देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो बात करेंगे समास और समास के भेद की। समास चार प्रकार के होते हैं, समास के पांच भेद होते हैं और समास के छह भेद भी होते हैं। समास के छह भेद होते हैं, आप हिंदी में पढ़ते होंगे समास माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार छह, लेकिन समास के चार भेद किसके अनुसार बताइएगा, समास के पांच भेद किसके अनुसार, इन तीनों भेदों की चर्चा होगी आपसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत समास के भेद। अगला टॉपिक रहेगा, नौवां टॉपिक रहेगा कारक प्रकरण। कारक क्रिया जनकम कारकम, क्रिया अन्वत्वम कारकम, क्रिया करोति कारकम, क्रिया जो करता है उसको कारक कहते हैं। कारकों की संख्या कितनी होती है, क्या कारकों की संख्या छह होती है, क्या कारकों की संख्या आठ होती है, या दोनों ही होती है, अगर विकल्प में छह है और आठ भी है तो कौन सा विकल्प सही माना जाएगा, ये सब जानने के लिए आप प्रकरण का अध्ययन करेंगे और वो प्रकरण होगा आपका कारक प्रकरण। जी हाँ, कारक, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, ये सब चर्चा। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो टॉपिक होगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो सबसे बेहतरीन टॉपिक रहेगा, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को आत्मसात करने के लिए, किसी भी भाषा में अनुवाद बहुत ही आवश्यक होता है। तो अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत अनुवाद की चर्चा होगी, कैसे हम हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करें और कैसे हम संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा में अनुवाद करें। धातुएं क्या होती हैं, शब्द रूप कैसे बनते हैं, हरि का चतुर्थी का एकवचन क्या होगा, सर्व शब्द का सप्तमी का एकवचन क्या होगा, नमः शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये सब चर्चा होगी यहां संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत। आगे चर्चा करें तो शब्द रूप धातु रूप इसी के अंतर्गत आएंगे, और शब्द रूप और धातु रूपों का हम वाचन के द्वारा, जी हाँ वाचन के द्वारा हम आपको इनको कंठस्थ कराने वाले हैं। आप जुड़े रहिएगे और लोगों को जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने जो साथी हैं उन तक पहुँचाएंगे और लोगों से कहेंगे कि सर जैसा भी पढ़ाते एक बार लाइव आकर देखिए, तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि शब्द रूपों को गा करके सुनाना, वाचन करना, ये बहुत ही शानदार रहता है, बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है। धातु रूप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, क्या चर्चा करेंगे, धातु क्या है, कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, वाचन करिए थोड़ा सा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातुएं हैं 2000 सुन ले मेरे यार, धातुएं हैं 2000 सुन ले मेरे यार, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप, छंदों के माध्यम से आपको कविता के माध्यम से ये सारे तथ्य कंठस्थ कराए जाएंगे। जी हाँ, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातुएं हैं 2000 सुन ले मेरे यार, धातुएं हैं 2000 सुन ले मेरे यार, 2000 धातुओं को कितने गढ़ में बांटा है, बताइए 2000 धातुओं को इतने समूहों में बांट दिया संस्कृत भाषा में, क्या आपको पता है, यदि पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि 2000 धातुओं को कितने समूहों में बांटा गया, क्या पता है आपको, 2000 धातुओं को 10 गढ़ में बांटा है,
2000 धातुओं को 10 गण में बांटा है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इन सब की चर्चा करेंगे आपसे दोस्तों, धातु रूप के अंतर्गत पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठतः, पठामी पठाव पठाम, तीता अंति सीता था आमी आवह आम। ये सब ट्रिक के माध्यम से आपको पता लगेगा कि धातु रूप कैसे याद किए जाते हैं, शब्द रूप भी कैसे याद किए जाते हैं, इन सब की चर्चा होगी। और देखो ये टॉपिक है, पिछली परीक्षा में यूपी टेट की परीक्षा में इससे एक प्रश्न आ चुका है, लिंग निर्धारण, और पूछा गया था कि बताइए देवता शब्द का कौन सा लिंग होता है। जी हाँ, देवता शब्द बताइए, देखने में तो लग रहा है जी पुरुष है, पुल्लिंग है, लेकिन नहीं, देवता लिंग, देवता जो शब्द है उसका लिंग होता है, उसका चिन्ह होता है, उसकी पहचान होती है, देखने में पुल्लिंग है लेकिन देवता स्त्रीलिंग होता है। जी हाँ, क्यों होता है, इस सब की चर्चा होगी लिंग निर्धारण में। वचन, संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या कितनी होती है, 3। संस्कृत में पुरुषों की संख्या कितनी होती है, 3। संस्कृत में वाच्यों की संख्या कितनी होती है, 3। मुनियों की संख्या कितनी है, 3। वेदत्रयी के अंतर्गत कितने वेद आते हैं, 3। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3। अल्फा बीटा गामा 3। ब्रह्मा विष्णु महेश 3। सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3। 3 का बहुत महत्व है, तो हम चर्चा करेंगे 3 के बारे में कि ये 3 क्या हैं। वचन, पुरुष, लिंग, वाच्य, ये सभी तथ्य आपको मिलेंगे 11वें टॉपिक में, और ये होगा लिंग वचन पुरुष से संबंधित। जी हाँ, जेंडर, नंबर और पर्सन। जी हाँ, आगे चलते हैं, जो आपका आगे का जो है टॉपिक है वो है 12वां टॉपिक। 12वां टॉपिक क्या है, 12वां टॉपिक है आपका उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग हमेशा हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा 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 शब्दों के आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्गों की चर्चा होगी, सर्ग और सर्ग के आगे लिखा है उप, और उप भी एक उपसर्ग है। नजदीक के अर्थ में, नजदीक के अर्थ में, पास के अर्थ में, निकट के अर्थ में उपसर्ग होता है उप, इसलिए उपसर्ग शब्द में उप जो है वो नजदीक के अर्थ में है दोस्तों। तो उप उपसर्ग की हम चर्चा करेंगे कि उप उपसर्ग क्या है और उपसर्ग कितने होते हैं, ये सब की चर्चा होगी उपसर्ग में। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक क्या है, प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय, संस्कृत में जो प्रत्यय प्रकरण है उसमें स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय, धातु अवयव, ये सब की चर्चा होगी आपके लिए प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत। प्रत्यय इतने खतरनाक आपको दिखते होंगे, जैसे मैं चर्चा करूं आपसे, मैंने आपसे कहा जैसे ये अत्वा प्रत्यय है तो आप नहीं बता पाएंगे कि अत्वा प्रत्यय कहाँ होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए अनियर प्रत्यय की क्या पहचान है तो आप नहीं बता पाएंगे कि अनियर प्रत्यय की पहचान क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओनली केवल केवल आपको 10 सेकंड में, ओनली 10 सेकंड में, 10 सेकंड में प्रत्यय की पहचान बताई जाएगी। जी हाँ, 10 सेकंड बहुत कम होता है, आपको बड़ा हंसी भी आ रही होगी, हंसना भी आ रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, इसका तो प्रमाण आपको जब ही मिलेगा जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को और आपको पता लगेगा। इसके बाद में जो टॉपिक है संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान से हर बार एक प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न पक्का, यदि करना है तो निश्चित रूप से 1 से 100 तक की संख्याएं, इसके बाद में 500, 1000, 10000, 1,00,000, और प्रत्येक संख्या में से एक कम कर दीजिए, जैसे 29, 39, 69, 79, 59, 89, इस प्रकार के जो संस्कृत संख्या के अंतर्गत प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, वो संख्या ज्ञान के अंतर्गत आप पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। अगला 15 नंबर, 15 नंबर पर क्या रहेगा, संस्कृत काव्य। जी हाँ, यूपी टेट के जितने भी छात्र हैं उनके लिए काव्य का प्रकरण बहुत बड़ा होता है एक तरह से, और जो सुपर टेट के अर्थात एसटेट के छात्र होते हैं उनके लिए कोई भी
कोई भी साहित्य का क्षेत्र इसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य रचनाएं लिखा देते हैं, जैसे अष्टाध्यायी किसकी रचना है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, दस कुमार चरतम किसकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, ऐसे करके वाल्मीकि रामायण के लेखक कौन है। तो इस प्रकार के जो साहित्य में आपके जो रहेंगे काव्य के अंतर्गत, वो सामान्य जानकारी आपको दी जाएगी जो सुपर टेट के हैं, और जो डीपली जो है उनको पढ़ना है, जैसे जो यूपी टेट के हैं उनके लिए विस्तृत काव्य पढ़ाया जाएगा। वर्ण कितने होते हैं, चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रमों की संख्या कितनी है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और भगवान के प्रत्येक संघ के नाम क्या है, आपका जो है श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, महाभारत, महाभारत में जो गीता है वो कहाँ से ली गई है, ये बहुत सारे हम तथ्यों की चर्चा कर लेंगे। तो ये आपका संस्कृत काव्य के अंतर्गत रहेगा। जी हाँ, इसके बाद में फिर आपका जो टॉपिक है वो रहेगा आपका क्या रहेगा, 16वां टॉपिक है अपठित अनुच्छेद रहेगा। अपठित माने जो पढ़ा हुआ नहीं है, जैसे आप हाई स्कूल वगैरह में अनसीन पढ़ते होंगे, तो अनसीन में क्या होता था, अनसीन में पढ़ाई जो पढ़ते थे वो तो होता ही नहीं था, लेकिन फिर भी इस अपठित को हमको पठित बनाना है। माने ध्यान रखिएगा कि अपठित अनुच्छेद कहाँ से आता है। जी हाँ, अनुच्छेद ये कहाँ से आता है इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे, और इसका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे कि अपठित को अगर पठित बनाना है, पढ़ा हुआ बनाना है, कि एक बार सर हमको बता दीजिए कि ये कहाँ से आएगा, तो इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा, दो टॉपिक और बचे हैं, 17वां टॉपिक है संशय एवं समाधान। जी हाँ, संशय एवं समाधान का मतलब होता है आपके डाउट, आपका जो डाउट है किसी भी टॉपिक में, या कोई टॉपिक छूट गया है उस टॉपिक के बारे में आप पूछना चाहते हैं, संधि हो, समास हो, कारक हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे धातु हो, चाहे आपका अव्यय हो, चाहे संख्या ज्ञान, माने कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, तो उसमें से संशय एवं समाधान रहेगा 18वां। 18वें में आपके में ये अभ्यास प्रश्न रहेंगे जिनको आप प्रैक्टिस सेट कहते हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे, जैसे वर्णमाला का हो गया, उच्चारण स्थान का हो गया, जैसे आपका प्रत्यय का हो गया, उपसर्ग का हो गया, जैसे आपका कारक प्रकरण से संबंधित प्रश्न हो गए, जैसे काव्य से संबंधित प्रश्न हो गए, माने कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न उत्तर का केवल ये नहीं है कि अभ्यास प्रश्न उत्तर केवल पूर्व परीक्षा में आए हुए करा लिए या फिर ऐसे ही कुछ प्रश्न दे दिए, ऐसे प्रश्न रहेंगे आपको जो परीक्षा उपयोगी होंगे, और आपको शायद आपको ये लगे पिछली परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में यूपी टेट की परीक्षा में, दोस्तों यूपी टेट की परीक्षा में सेम 22 प्रश्न, 22 क्वेश्चन आर अवेलेबल ऑन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन माने परीक्षा में 22 प्रश्न सेम आए थे, हूबहू आए थे, जिनके बारे में बच्चे बाद में हमसे मिले और हमसे कहे कि गुरु जी ये 22 प्रश्न सेम आए हैं, जिसमें से देवता का लिंग पूछा गया था, जिसमें से 2 प्रश्न प्रत्यय से थे, जिसमें से उच्चारण स्थान से र का उच्चारण स्थान पूछा गया था, ऐसे करके 22 प्रश्न सेम आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच है, ध्यान रखिएगा, और हम संस्कृत के हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये पक्की बात है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि 22 प्रश्न लगातार, 22 प्रश्न माने 30 में से 22 प्रश्न पिछली यूपी टेट की परीक्षा में आ चुके हैं। आप देख लीजिए, जो पूर्व जो हमने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाया था और ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाया था, जिनको अध्ययन कराया था, उसमें से 22 प्रश्न आ चुके हैं। जी हाँ, तो अभ्यास प्रश्नोत्तर जो होंगे वो 4 विकल्प, माने जैसे मैं 10 प्रश्न आपको कराऊंगा तो 10 प्रश्न का मतलब हो गया 40 प्रश्न हो गया, 40 प्रश्न हो गया, क्योंकि उनके जो 3 विकल्प हैं उन 3 विकल्पों की मैं चर्चा करूंगा आपसे, माने इनके उत्तर भी क्या है, माने आप उत्तर नहीं ढूंढेंगे बल्कि सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि जो 3 जो गलत हैं वो 3 गलत क्यों हैं, तो इसलिए अभ्यास प्रश्नोत्तर रहेंगे। जी हाँ, तो अब चलिए आगे, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ और आगे आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। चलिए देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है, मैंने आपको यहाँ तक आपसे चर्चा की कि किस तरह से आपका पाठ्यक्रम है और संस्कृत भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए यह पाठ्यक्रम रहेगा, तो अब मैं टॉपिक की चर्चा करता हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा प्रमुख विषय था, जो टॉपिक था, वो था मंगलाचरण। जी हाँ, मंगलाचरण था, तो आइए चर्चा करते हैं। मंगलाचरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए, अंग्रेजी का वैसे विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में मंगलाचरण को क्या कहेंगे, देखिए अंग्रेजी में भी लिख दिया है मैंने, है ना, इनवोकेशन कहेंगे। जी हाँ, मंगलाचरण, मंगल कार्य हेतु भगवान की स्तुति करना,
निर्विघ्न किसी भी कार्य की समाप्ति के लिए मंगल कामना करना मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगलाचरण की ये परिभाषा। प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, और यह प्रश्न यूपी टेट की 2017 में परीक्षा में ये आया था कि बताइए मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार पूछा गया था यूपी टेट की 2017 की परीक्षा में इसको पूछा गया था। मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, यानी सबसे पहले हम जो मंगल कामना करते हैं किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु, किसी ग्रंथ को शुरू करने से पहले, या जैसे आप गृह प्रवेश करते हैं, आप किसी संस्थान में सबसे पहले जाते हैं, किसी मंदिर में सबसे पहले जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो अनेकों लोगों ने मंगलाचरण किया है। रामचरितमानस की मैं चर्चा कर रहा था, वर्णानाम रत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो वर्ण शब्द से ही मंगलाचरण किया है रामचरितमानस में, और वाल्मीकि रामायण जो है उसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है, शायद आपको पता ना हो, उसमें केवल ओम शब्द से शुरू किया है। ऐसे ही एक ग्रंथ है कालिदास का, उस ग्रंथ का नाम है रघुवंशम, उसमें भी मंगलाचरण नहीं हुआ है, नहीं मिलता है। और कई ग्रंथ हैं जिनमें मंगलाचरण किया जाता है, माना जाता है। तो मंगलाचरण का प्रकार कितना है, केवल परीक्षा में इतना पूछा गया है। तो मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें केवल नमस्कार किया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, किसी के सामने झुकते हैं, तो नमस्कार करने से हमको क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो नमस्कार आत्मक मंगलाचरण सबसे पहला है, और नमस्कार आत्मक मंगलाचरण का जो पहचान है वो केवल एक ही पहचान है, इसमें नमः शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। नमः शब्द का प्रयोग अगर किसी श्लोक में हुआ है, जैसे पाणिनीय नमः लघु सिद्धांत कौमुदी को जब रचा भरताचार्य जी ने, तो वहाँ भी पाणिनीय जी को नमस्कार किया और लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में उन्होंने चर्चा की, तो नमः शब्द का प्रयोग किया। तो नमः शब्द का प्रयोग अगर कहीं हो तो आप समझ लेना कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। वैसे इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है कि इस श्लोक में कौन सा मंगलाचरण है, ये TGT और PGT और आपका UGC नेट आदि का विषय है, लेकिन फिर भी नमस्कारात्मक। दूसरा है आपका आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण, इसमें क्या किया जाता है, इसमें भगवान से केवल आशीर्वाद लिया जाता है, आशीर्वाद की कामना की जाती है, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग। तीसरा है आपका वस्तु निर्देशात्मक, आप भी किसी को नमस्कार करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद में क्या मिलेगा, जैसे आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है, आपको अध्यापक बनना है, तो आपका वस्तु क्या है, अध्यापक बनने की है। आपको और भी कोई आपके निमित्त कोई वस्तु आपको चाहिए, तो भगवान के सामने कहते हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम जागरण कराएंगे, हनुमान जी हमारा ये काम कर दीजिए, हम लड्डू चढ़ाएंगे। तो ये सब जो होता है वो आप क्या करते हैं, किसी वस्तु का निर्देश करते हैं। माने हम लोग कैसे हैं पता है, स्वार्थी लोग हैं, हम लोग जो है रजोगुणी हैं, तो हमको चाहिए, इसलिए भगवान का भजन करते हैं कि भगवान हमारा ऐसा कर देगा तो हमको ये मिल जाएगा। तो यही जो है इसी प्रकार का माने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का तात्पर्य यही होता है कि इसमें किसी ग्रंथ का नाम होगा, जिस ग्रंथ के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं या किसी ग्रंथ को शुरू कर रहे हैं, तो ये वस्तु निर्देशात्मक माने इसमें किसी ग्रंथ का नाम मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, ग्रंथ का नाम है, चाहे कोई भी ग्रंथ शुरू हो रहा है, अष्टाध्यायी शुरू हो रहा है, अष्टाध्यायी का नाम होगा, है ना। और जैसे कृतार्जुनीयम ग्रंथ शुरू हो रहा है तो उसमें जो है तो ग्रंथ का नाम इसमें मिल जाएगा अक्सर जो है। तो ये आपका जो मंगलाचरण होगा ये वस्तु निर्देशात्मक माने वस्तु का निर्देश हो रहा है, किस वस्तु के लिए हम मंगलाचरण कर रहे हैं, माने भगवान से किसके लिए कामना कर रहे हैं, तो ये मंगलाचरण हो जाएगा। तो तीन प्रकार का, बताइए कितने प्रकार का मंगलाचरण हो गया, तीन प्रकार का मंगलाचरण। सबसे पहले नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है और ये माना जाता है। आगे देखिए, एक बहुत शानदार ग्रंथ है, बड़ा आप अगर उसकी स्टोरी सुनेंगे तो बड़ी हंसी आएगी आपको, बहुत प्रसन्नता होगी और हंसी भी आएगी, बहुत हास्यास्पद भी है और बहुत अच्छा ग्रंथ भी है। और अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था पाठ्यक्रम में कि अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश जो आता है और अपठित जो पद्यांश आता है, माने संस्कृत में जो पद्यांश के जो श्लोक होते हैं अपठित में, वो इसी ग्रंथ से आते हैं। जी हाँ, इसी ग्रंथ से। अगर आपने नीति शतकम के 100 श्लोकों को पढ़ लिया तो उसमें से आपका जो भी अपठित आएगा वो उसी में से आ जाएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे श्रेष्ठतम श्लोक हैं इसमें।
वरमेके गुड़ु पित्रो न च मूर्खो सतैरपि, ऐसे करके बहुत सारे सुंदर सुंदर निंदंत नीत निपुणा यदवा स्तवंतु। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक इसमें दिए हुए हैं। तो ये नीति शतकम है और नीति शतकम में 100 श्लोक हैं और राजा भर्तारी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। और कैसे लिखा था पता है आपको? पत्नी ने धोखा दे दिया था इनको, उनको छोड़ दिया था। धिगताम 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 3 बार कहा था और उसके बाद में जंगल में चले गए थे कौपीन मात्र धारण करके। राजा भर्तहरि फल वाली कहानी आपको सुनाएंगे जब साहित्य आपको पढ़ाए, जब आप अध्ययन करेंगे साहित्य का पढ़ेंगे तो नीति शतकम जो ग्रंथ है वो भर्तहरि का है। जी हाँ, इसमें 100 से ज़्यादा श्लोक हैं। अब देखिए एक ग्रंथ है आपका रघुवंशम। रघुवंशम माने इसमें रघु आदि राजाओं का वर्णन किया है, दिलीप राजा हो चाहे राम की पूरी परंपरा जितने भी है, भागीरथ से लेकर के जितने भी कुच्छी, भागीरथ, अज, दशरथ, श्री राम और ये जितने भी पूरे रघुवंशी राजाओं का वर्णन इसमें किया। वही राजा जिसमें दिलीप हुए हैं, जिसमें आपकी गाय का वर्णन है, ये पूरा आप अधिकतर आप प्रश्न देखते होंगे तो रघुवंशम ये ग्रंथ है। शिवराज विजय कालिदास का ग्रंथ है ये। शिवराज विजय, शिवराज विजय बहुत अच्छा, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें शिवाजी का वर्णन किया है। तो ये तीनों तो नीति शतकम और शिवराज विजय और रघुवंशम, ये इन तीनों ग्रंथों में नमस्कार आत्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। जी हाँ, इन तीनों ग्रंथों में नमस्कार आत्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, अगला एक आपने नाटक सुना होगा, जो नाटक चलता है पूरा अंगूठी के सहारे। जी हाँ, रिंग के सहारे चलता है और उसमें जो प्रेम विवाह जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं उस विवाह की कहानी चलती है। बहुत अच्छा एक नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। 7 अंकों में से 4th अंक विदाई अंक माना जाता है। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक, विलियम जॉन्स जैसे लोगों ने उसके बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की है, चाहे आपका विलियम गेटे हो जिसने जापानी भाषा में इसका अनुवाद कराया है, ऐसा श्रेष्ठतम अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला जिसमें नायिका और नायक है दुष्यंत, कंडव ऋषि से लेकर के इसमें बड़े बड़े श्रेष्ठतम पात्रों का चित्रण हुआ है, ऐसा कालिदास का ग्रंथ जिसमें 7 अंक हैं। इस मंगलाचरण जो किया है इस ग्रंथ में, इसमें मंगलाचरण आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। या सृष्टिर सृष्टुराद्याः, मंगलाचरण का इसमें प्रयोग हुआ है। तो पूछ लिया जाएगा आपको प्रश्न, क्या पूछा जाएगा बताइएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किस मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, अगला शिशुपाल वध किराता अर्जुनियम और नैषधीय चरितम। देखिए शिशुपाल वध एक ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है दोस्तों। शिशुपाल वध माघ का ग्रंथ है और माघ बहुत प्रसिद्ध है। माघ के लिए एक कहावत कही जाती है बहुत अच्छी, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, माघे संति त्रयो गुणा। उपमा कालिदासस्य, उपमा अलंकार के लिए, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए भारवी नाम के लेखक प्रसिद्ध हैं। दंडी पद लालित्यम, और दंडी जो है वो पद की लालित्यता, शब्दों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। और माघे संति त्रयोगुणा माने माघ के अंतर्गत जो कवि हैं, माघ कवि हैं, उनके अंतर्गत 3 गुण आ जाते हैं और शिशुपाल वध उन्होंने ही लिखा है। अगला किरातार्जुनीयम, किराता अर्जुनियम में किरात नाम का एक भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध होता है। किराता अर्जुनियम 12वीं का ग्रंथ है, 18 सर्ग हैं इसमें। किराता अर्जुनियम ग्रंथ में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है, वस्तु निर्देशात्मक। जी हाँ, नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम श्री हर्ष का है नैषधीय चरितम, और नैषधीय चरितम में भी किसका प्रयोग हुआ है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है इसमें नैषधीय चरितम ग्रंथ में। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा कि बताइए नैषधीय चरितम ग्रंथ किसका है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर पूछ लेगा बताइए श्रीहर्ष का श्रेष्ठतम ग्रंथ कौन सा है? नैषधीय चरितम। पूछ लेगा आपको बताइए किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। पूछ लिया जाएगा किराता अर्जुनियम किसमें विभाजित है? सर्गों में, अध्यायों में, कांडों में, पर्वों में, उच्छावासों में, किसमें है? माने कोई न कोई तरीके से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित।
नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है और इन ग्रंथों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है दोस्तों। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि निर्णय अकेडमी के संस्थान में आप पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ही अभी सुख की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंतर्गत आपको ये प्रश्न अवश्यंभावी फंसने वाले हैं परीक्षा में। निश्चित तौर पर आप पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी जिज्ञासाओं को रखेंगे और लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो आपको डाउट, जो संशय और समाधान का जो विषय है वो यहाँ पर रहेगा। माने कोई भी संशय होगा तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाद में क्लास देखेंगे तो फिर आपको लगेगा सर तेज पढ़ा रहे थे, जल्दी पढ़ा रहे थे, डीपली पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ महसूस होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगली क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाइव क्लास में आप आइएगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट सीधा आपको ज्ञान प्राप्त हो सके और अपने आप संशय रख सकें। जी हाँ, चलिए। तो इन ग्रंथों में माने शिशुपाल वध, किराता अर्जुनीयम और नैषधीय चरितम, ये साहित्य के कुछ बेहतरीन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। हाँ, तो ये सभी मैं अब आपसे चर्चा कर रहा था। देखिए, एक बार पुनः आपसे चर्चा करता हूँ कि मैं आपसे पुनः एक बार चर्चा करूं। मैंने सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की, उससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से और कितने अंकों का किस प्रकार से रहेगा। यूपी टेट में 30 अंक का आएगा, एसटेट में 10 अंक का आएगा, रीट में भी 30 नंबर का संस्कृत आता है, एमपी टेट, एचटेट, टीजीटी, संस्कृत व्याकरण से संबंधित भी तथ्य आपको इसी व्याकरण के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसकी मैं चर्चा कर रहा था। आगे मैंने आपसे चर्चा की, अभी तक संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत मंगलाचरण सबसे पहले टॉपिक जिसमें से परीक्षा में आ चुका है एक प्रश्न। इस बार प्रबल संभावना है कि इसमें से पूछा जाएगा कि बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किस मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। संस्कृत शब्द की व्याख्या, संस्कृत परंपरा, वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, स्वर एवं व्यंजन, संधि, समास, कारक, संस्कृत अनुवाद, शब्द रूप, धातु रूप, लिंग वचन पुरुष, इन सब की चर्चा आपसे की मैंने। इसके बाद में मैंने पाठ्यक्रम में आपको बताया कि उपसर्ग 22 प्रकार के अव्यय उपसर्ग का ही एक भाग है, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आपसे। जी हाँ, प्रत्यय प्रकरण, इसके बाद में संख्या ज्ञान और संस्कृत काव्य के अंतर्गत बहुत सारे तथ्य आपको बताएंगे और अपठित अनुच्छेद, इसको अनसीन पैसेज जो होता है। इसके बाद में जो 17वां टॉपिक रहेगा वो आपका संशय एवं समाधान, जो आपके डाउट के प्रश्न हैं या किसी का टॉपिक कोई छूट गया है या क्लास नहीं ले पाया है। तो रिकॉर्डेड क्लास में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको समझ में नहीं आता, तो एक दो क्लास एक्स्ट्रा के रूप में भी आपके संशय एवं समाधान की क्लास हम रख सकते हैं, उस समय के अनुकूल रहेगा किस तरह से क्या रहता है। अगले 18वें जो टॉपिक में अभ्यास प्रश्नोत्तर माने रहेंगे आपके। हाँ, और टॉपिक की मैंने अभी आपसे चर्चा की है कि जो टॉपिक पहला मैंने टॉपिक पहली क्लास है, इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने ज़्यादा विस्तृत किया है, लेकिन फिर भी इनमें से भी आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न निश्चित पहली क्लास जिसने देखी है लाइव क्लास या देखेंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, उनको निश्चित रूप से इसमें प्रश्न मिलने वाले हैं इसी पहली क्लास से। तो मंगलाचरण के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मंगलाचरण क्या है। मंगल कामना के लिए किए गई स्तुति, मंगल कामना के लिए किया गया कोई मंत्र, बोला गया कोई मंत्र, वो मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, मैंने बताया 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में ग्रंथ का नाम होता है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण में नमः शब्द का प्रयोग और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद भगवान से लिया जाता है। ये आपसे मैंने चर्चा की। आगे आपसे बात करते हैं, मैंने बताया कि नीति शतक ग्रंथ जो भरतादि राजा का है, रघुवंशम, रघुवंश के विभिन्न राजाओं का इसमें वर्णन है, शिवराज विजय, इन 3 ग्रंथों में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। अगला अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो मैं बता रहा था कालिदास का श्रेष्ठतम नाटक है, 7 अंक हैं इसमें और 4थे अंक को सर्वश्रेष्ठ अंक का दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ इसमें विलियम गेटे ने इसका जापानी भाषा में अनुवाद कराया है, विलियम जोन्स इसकी भोरी भोरी प्रशंसा कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का श्रेष्ठतम ग्रंथ, इसमें आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है, आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण। नेक्स्ट शिशुपाल वध, किराता अर्जुनीयम और नैषधीय चरितम। शिशुपाल वध माघ का, किराता अर्जुनीयम भारवी का, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का,
इनकी रचनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए शिशुपाल वध की रचनाकार कौन है, या किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है, या नैषधीय चरितम के। तो ये प्रश्न आपको देखो यहाँ से भी मिल जाएंगे। इन तीनों ग्रंथों में शिशुपाल वध, किराता अर्जुनियम और नैषधीय चरितम, इन तीनों ग्रंथों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग इसमें किया गया है। तो यही आपसे चर्चा थी, यही परिचर्चा थी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नई ऊर्जा नई स्फूर्ति के साथ में, और अधिक से अधिक आप लाइव आएंगे तो आपको ज़्यादा बहुत अधिक ज्ञान की अनुभूति होगी। इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।